बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहसिन एक बार फिर आप लोगों के साथ ENG101 इंग्लिश कंप्रीहेंशन के क्विज़ नंबर 2 के साथ हाजिर है। आइए हम लोग क्विज़ नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द राइटर सम टाइम गिव द मीनिंग इनडायरेक्टली विच मीन ही इज फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इम्प्लाइंग सम पॉइंट्स, सेकंड ऑप्शन है हाइडिंग फैक्ट्स, थर्ड ऑप्शन है क्रिएटिंग एन आर्ग्यूमेंट और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो इसमें आई थिंक कि जब कोई भी राइटर जो है इनडायरेक्ट मीनिंग दे रहा होता है किसी चीज़ के, तो इट मीन्स ही इज़ हाइडिंग सम फैक्ट्स, कि वो कुछ छुपा रहा है। फैक्ट Second question है, choose the correct option from the following. There is relationship between reading speed and fill in the blanks. First option है reading comprehension, second option है reading style, third option है reading ability और last option है both A and C. तो इसमें जो है द रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग स्पीड एंड रीडिंग कंप्रीहेंशन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड और फ्रेज दैट बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस। हमने कोई ऐसा वर्ड चूज करना है जिससे ये फ्रेज जो है कंप्लीट मतलब बेहतर सेंटेंस बने। फिल इन द ब्लैंक्स, पीपल डोंट नो व्हाट इज लाइक इन अदर कंट्रीज। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है द मोस्ट, सेकंड ऑप्शन है मोस्ट, थर्ड ऑप्शन है मोस्ट ऑफ और लास्ट ऑप्शन है द मोस्ट ऑफ। तो यहाँ पे आई थिंक कि करेक्ट ऑप्शन आएगा मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि जो बाकी कंट्रीज हैं वहाँ पे क्या पसंद किया जाता है या वो क्या पसंद करते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन मोस्ट ऑफ आ जाएगा जी। फोर्थ क्वेश्चन है, एज मच As she want to listen to both speaker, she could not because they talk were concurrent, independent, biannual और sequential। तो इसमें I think के जो हमारा second option है वो correct one है, independent, sequential। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर कंप्रीहेंशन विल नॉट सफ़र इफ़ यू आर रीडिंग। हमारी जो कंप्रीहेंशन है वो सफ़र नहीं होगी इफ़ वो आर रीडिंग रैपिडली, स्लोली, कंसिस्टेंटली इन फोकस्ड मैनर। तो आई थिंक इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन हमारी जो कंप्रीहेंशन है वो सफ़र नहीं होगी अगर हम लोग स्लोली रीड करते हैं, मतलब आराम से पढ़ते हैं, तो हमारी कंप्रीहेंशन ठीक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द फिल इन द ब्लैंक्स कमांडर ऑर्डर ए हॉल्ट। तो यहाँ पे BATTALION और BATALION, BATALLION और लास्ट ऑप्शन है BATTALIAN। तो बटालियन की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो BATTALION है, मतलब फर्स्ट वन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द साइनोनिम्स ऑफ स्विंडल इज। तो फर्स्ट ऑप्शन है चीट, सेकंड ऑप्शन है वेंडर, वर्बल और स्टार्टली। तो इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन जो है चीट वो साइनोनिम्स है स्विंडल का, तो फर्स्ट वन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आठवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहते हैं खसूसियत को, कि इसमें कौन सी ऐसा वर्ड है जो खसूसियत नहीं है। ब्यूटीफुल खूबसूरती भी खसूसियत है, ऑनरेबल इज़्ज़तदार ये भी खसूसियत है, इंटेलिजेंट मतलब समझदार या अक्लमंद या दाना के मायनों में आता है ये भी खसूसियत है, क्विकली वो तेज़ी से है ये खसूसियत नहीं है। तो हमारा जो क्विकली है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर दोज वर्ड्स are central to development of the subject of any particular piece of writing. First option है content word, second option है function word, third option है funny words और functional word. तो इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है content word, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. लास्ट क्वेश्चन है जी, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंगल वर्ड इफ टू आइडेंटिफाई टू पार्ट्स ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. हेलो, हैप्पी, बिकॉज, क्विकली. तो आई थिंक जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस वो हमारा बिकॉज से, क्योंकि पहला फ़िक्रा वो कुछ और कह रहा होता है और दूसरा फ़िक्रा जो है वो कुछ और मीनिंग दे रहा होता है, और वो दोनों का आपस में रिलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एनी वर्ड. तो बिकॉज जो है हमारा करेक्ट आंसर है. दोस्तों ये था हमारा क्विज नंबर 2 ENG101 इंग्लिश कंप्रीहेंशन का. मुझे उम्मीद है कि सारे दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा. अगर कुछ दोस्तों ने नहीं किया तो मैं उन्हें कहूँगा कि वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो उन लोगों तक पहुँच सके, और साथ बेल के आइकॉन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए आप लोगों को एक अलर्ट ईमेल भी चले जाए. थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़.